वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ स्टडी टुडे वी विल लर्न अबाउट कंट्रोलिंग आज हम कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट की लास्ट फंक्शन है सबसे पहला आता है प्लानिंग जिसमें हम प्लान करते हैं किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव करेंगे देन ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं स्टाफिंग में सही पर्सन को रिक्रूट करना सही जगह पर डायरेक्टिंग में सुपरवाइज करते हैं गाइड करते हैं मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को एंड देन लास्ट आता है कंट्रोलिंग जिस तरीके से हमने सोचा है उस तरीके से वर्क हो रहा है नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज कॉल्ड एन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इज अ मैनेजीरियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व एंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड एज प्लान जिस तरीके से हमने प्लान की थी उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हो रही है नहीं हो रही हैं एंड रिसोर्सिस आर यूज एफिशेंटली टू अचीव गोल जो भी कंपनी के रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं कंपनी के गोल्स पूरे करने के लिए वो सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपनी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड सेट बाय द कंपनी जो भी कंपनी ने प्लान किया है एनालाइज डेविएशन एंड करेक्ट टेकिंग एक्शन करेक्ट एक्शन लेना कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए अब कुंटूस ओ डोनल की डेफिनेशन क्या बोलती है कंट्रोलिंग इज द मेजरिंग एंड करेक्टिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सब ऑर्डिनेट अश्योर दैट इवेंट्स कन्फॉर्म टू प्लान जो भी प्लानिंग में हमने प्लान किया है कि किस तरीके से एक्टिविटीज होंगी वो सारी चीज़ों को देखना दिस इज कॉल्ड एन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के फीचर्स देख लेते हैं इट्स अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन एंड कंट्रोलिंग हर लेवल ऑफ हेरारकी पे होती है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी एंड कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड वो जो कंपनी ने प्लान किया था उसको देखना एंड उसको करेक्ट करके जो भी कंपनी के अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आगे की ओर लेके जाना इस कंट्रोलिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग बिकॉज इससे कंपेयर करते हैं प्लानिंग से ही हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है एंड इट्स रिलेटेड टू द रिजल्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का फर्स्ट पॉइंट है अम्पोलिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको किस तरीके से पूरा करना है इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इट एम्स एट डिटरमाइनिंग वेदर द प्री डिटर्माइंड प्लान आर बींग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली जो भी हमने प्लानिंग में सोचा था कि इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स पूरे करेंगे वो सही तरीके से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे वेदर रिक्वायर्ड प्रोग्रेस इज मेड टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मीनस प्लान जो भी प्लान सेट किए गए थे वो सही तरीके से हो रहे हैं एक्यूरेसी के साथ हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं थर्ड पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स जो भी यूज़ करना है रिसोर्स का वो सही तरीके से हो रहा है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स रिसोर्स का कम वेस्टेज करनी है इट एम्स टू इंश्योरिंग दैट एवरी एक्टिविटी ऑफ द फर्म इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल जो भी जिस तरीके से प्लान किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटी उसी के तहत हो एंड रिसोर्सिस का कम से कम वेस्टेज हो फोर्थ है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन जो भी ऑर्डर है वो सब फॉलो करें ऑर्गेनाइजेशन में सभी इम्प्लॉयज़ एंड डिसिप्लिन मेंटेन करें इम्प्लॉय को मोटिवेट करना है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग प्रोवाइड अ कॉमन डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो अलाइन इम्प्लॉयज़ एक्शन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल कंट्रोलिंग कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी को एक अलाइन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉय टाइम टू टाइम सही तरीके से एक्शन ले पाते हैं जो भी हमने प्लान किया गया था कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स वो उसको किस तरीके से पूरा करना है कंट्रोलिंग उस चीज़ में हेल्प करती है तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंस फर्स्ट है कंपॉलिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करना सेकंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ प्लान जो भी हमने जिस तरीके का प्लान किया था वो उस डायरेक्शन में सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है थर्ड है प्लान मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो भी यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज उसमें वेस्टेज कम हो और सही तरीके से यूज़ हो फोर्थ है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फर्स्ट प्रोसेस है सेटिंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना दो तरीके का होता है फर्स्ट है क्वांटिटेटिव सेकंड है क्वालिटेटिव देन मेजर द परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना थर्ड पॉइंट है कंपेयर करना जो सेट किए गए हैं टारगेट उनसे एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है देन डिटरमाइनिंग द रीज़न फॉर एनी सच डेविएशन अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो टारगेट सेट किए गए हैं उससे रिलेटेड नहीं मैच हो पा रहा देन करेक्ट एक्शन लेना और डेविएशन को निकालना कि किस रीजन से नहीं हो पा रहा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस अगेंस्ट विज द एक्चुअल परफॉर्मेंस एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके का होता है फर्स्ट है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव किस तरीके से एक्सप्रेस्ड होता है प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड कॉस्ट टू बी इनकर्ड कि सोल्ड रेवेन्यू टू बी अर्न जो भी हमने प्रोडक्ट बेचा उससे कितना रेवेन्यू आया मतलब पैसों की टर्म्स में सेकंड है क्वालिटेटिव लाइक like एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कस्टमर सर्विस तो ये आ गया आपका क्वालिटेटिव टर्म में जब भी टारगेट सेट करती है कंपनी वो दोनों ही टर्म में होते हैं फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही टर्म में टारगेट सेट किए जाते हैं एम्प्लॉयज के लिए सेकेंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अब उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उनको मेजर करना द स्टैंडर्ड द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन रिलायलेबल ऑब्जेक्टिव मैनर द एक्चुअल परफॉर्मर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेजर थ्रो डिफरेंट टेक्निक किस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर होगी सैम्पल चेकिंग पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है एंड उसका वर्क कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना थर्ड स्टेप है कंट्रोलिंग इज द कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस से और जो उनको दी गई है परफॉर्मेंस उससे बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिटरमाइन द डेविएशन डेविएशन कमियां निकालना कि जो हमने सोचा था उस तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है अगर बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है देन कंट्रोलिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी अगर नहीं हो रहा है देन हम जो भी वो डेविएशन आई है वो कहाँ पे आई है उसका रीज़न निकालना एंड उसको इम्प्रूव करना वेरिएशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस अब डेविएशन के टू पॉइंट्स हैं फर्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है हम सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में हमको सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो की रिजल्ट एरिया जो हमारे हाथ में है आर क्रिटिकल टू बी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेके बैठेंगे और उसको ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे देन कुछ पॉइंट नहीं है उन सब चीजों का सेकंड पॉइंट क्या बोलता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मैनेजमेंट एक्सेप्शन इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप विथ कंट्रोलिंग नथिंग अगर एक मैनेजर सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा एज ए ह्यूमन बींग हम सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होता है बस हम वो ही कंट्रोल कर सकते हैं फोकस ऑन द सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियड द सेट डेविएशन लिमिट अब देखते हैं लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग की फर्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वानिटेटिव स्टैंडर्ड इट विकम वेरी डिफिकल्ट टू कम्पेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटर्माइंड स्टैंडर्ड जो भी एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कम्पेयर करना मुश्किल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय का मोराल कैसा है उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है अब सेकेंड पॉइंट है लिटल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इफेक्टिवली कंट्रोल इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकती है बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का चेंज होना थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज हम एम्प्लॉयज को ज्यादा बांध के नहीं रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी सी कैमराज अगर कंपनी सोचती है लगवाने के लिए तो उसमें एम्प्लॉयज़ वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज उनकी प्राइवेसी थोड़ी इसमें भंग होगी एंड जैसे पंचिंग मशीन होती है चेक इन टाइम होता है चेकआउट टाइम होता है तो उस चीज़ में भी रेजिस्टेंट रजिस्ट resist नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को फोर्थ है कंट्रोलिंग इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस इट मीन दैट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस हैज़ टू बी मेजर्ड एंड रिपोर्ट on a higher authority. Time to time cost, time to time employees की performance measure करना अपना time देना effort देना एग्जाम्पल के तौर पे अगर पंचिंग मशीन लग रही है तो फिर उसका कॉस्ट आएगी सीसीटी वी कैमरा लग रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट आएगी कंट्रोलिंग इज एन कॉस्टली प्रोसेस आई होप आपको ये कंट्रोलिंग पूरा समझ में आ गया होगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी थैंक यू सो मच